हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के लिए फ्रंट स्लेट की कुर्ती। जैसा कि आपने इस फ्रंट स्लेट की कुर्ती को इतना ज़्यादा प्यार दिया, आप वैसे ही इस कुर्ती को ज़रूर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। अब चलते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को बनाना, अपनी कुर्ती को बनाना। तो यहाँ पर हमने पहले ही सिंपल तरीके से कुर्ती कट कर ली है। जैसे कि आपने हमारी कई वीडियो में देखा होगा कुर्ती कट करना, वैसे ही हम सिंपल तरीके से कुर्ती कट कर लिए हैं। अब दोनों पार्ट को हम अलग कर लेते हैं। जो बैक वाला पार्ट है उसको हम हटा देंगे और फ्रंट वाला पार्ट हमें रख लेना है। और सबसे पहले हमें फ्रंट वाले पार्ट को बराबर कर लेना है कुछ इस तरीके से, क्योंकि हम यहाँ पर स्लेट बनाने वाले हैं। तो हमारी जो कुर्ती का कपड़ा है वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए सभी साइड से। तो हम अच्छे से कपड़े को बराबर कर लेंगे। अब यहां से हम बीच से स्लेट कट कर लेते हैं इस तरीके से। पूरा नीचे तक हमें स्लिट कट करना है फ्रंट से। हमें हाथ को उस साइड पे रखते जाना है ताकि हमारी स्लिट बेस से ही कट हो, इधर उधर से ना कट हो। इसलिए हमें इस तरीके से हाथ को रखते जाना है उस पार से और यहाँ पे स्लिट कट करते जाना है। अब ये देखिए, हमारी जो फ्रंट की स्लेट है वो कट के रेडी हो गई है। अब जो हमारे फ्रंट के दो पार्ट हो चुके हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारे फ्रंट के दो पार्ट हो चुके हैं। अब गाइज, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर हमने स्लीव्स भी पहले ही कट कर ली है। अगर आपने स्लीव्स नहीं देखी है कटिंग, तो आप हमारे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये देखिए, हमने स्लीव्स भी कट कर लिया है। मैं आपको पूरी फुल फ्रंट स्लेट की कुर्ती की स्टिचिंग कटिंग दोनों दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर फुल वॉच करिएगा। तो ये देखिए, हमारे पास कुछ इस तरीके की पट्टी है। अब इसका क्या यूज़ है मैं आपको स्टिच करते करते ही बताती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले जो हमारी बीच की स्लेट है उसको हम फोल्ड कर लेंगे। कुछ इस तरीके से हमको फोल्ड करना है। तो ध्यान रहे गाइस, अगर आपको अलग से पट्टी लगाना हो तो आप पट्टी भी लगा सकते हो, पट्टी लगा के भी फोल्ड किया जा सकता है। बट यहाँ पर मैं बहुत ही इजी तरीके से, जो बिगिनर्स हैं वो अभी नहीं बुकरम लगा के या फिर अलग से पट्टी लगा के, थोड़ा सा उनको कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए यहाँ पर मैं सिंपल तरीके से जो हमारी फ्रंट स्लिट का फैब्रिक है, जो कुर्ती कटिंग है, उसी में मैं यहाँ पर फोल्ड कर रही हूँ। एक रीज़न और भी है मेरा इस तरीके से फोल्ड करने का, वो भी मैं आपको आगे बताते जाऊँगी सिलाई करते लगाते लगाते। तो ये देखिए, हमने सिर्फ यहाँ पर सीधी सिलाई लगाना है कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से फोल्ड करते जाना है। ध्यान रहे कि जो हमारा कट्टा वाला फैब्रिक है वो ऊपर की ओर निकल ना आए, इसलिए हमें अंदर में डबल फोल्ड करके ही सिलाई लगाना है सीधी। तो नीचे कॉर्नर तक हमें सिलाई सीधी लगा लेनी है। जो कुर्ती का लुक होगा गाइस, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा फ्रंट का। तो ये जो हमारा एक स्लिट है वो सबसे पहले सिलाई हो चुकी है सीधी। अब इसी तरीके से हमें दूसरी भी सिलाई लगाना है। तो पहले मैं आपको ये कट करके दिखा देती हूँ, जो हमारा स्लिट है, स्लिट का कॉर्नर एरिया है, वो किस तरीके से सिलाई आया है फिनिशिंग के साथ में, बिना आप एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाए या बिना बुकरम यूज़ किए हुए।
तो अब इसी तरीके से जो हमारा फ्रंट पार्ट का दूसरा सेकंड वाला पार्ट है उसको भी इसी तरीके से फोल्ड करना है कॉर्नर पे, और फोल्ड करने के बाद पूरी सिलाई लगा लेनी है सीधी। तो वो मैं आपको फटाक से लगा के दिखाती हूँ किस तरीके से लगेगा। तो ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से सिलाई हमने दोनों पार्ट में लगा लिया है। तो हमने बात की थी ये इस फैब्रिक की जो हमने इस तरीके से पट्टी कट की है उसका यूज़ क्या है। तो उस सबसे पहले हम इस फैब्रिक के दो पार्ट कर लेते हैं, इसमें भी एक स्लिट बना देते हैं हम। बीच से ही हमें कट करते जाना है। जितनी बड़ी हमारी पट्टी है पूरी स्लिट कट कर लेनी है बीच से। तो गाइज जो ट्रेंडिंग में फ्रंट स्लिट चल रही है वो इसीलिए मैं आप सभी के सामने लेकर के आई हूँ फिर से, और आपने मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा फ्रंट स्लिट के प्यार दिया है तो इसलिए मैंने सोचा एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आऊँ। तो ये देखिए हमारी जो पट्टी है बीच से कट हो चुकी है। अब इन दोनों को हमें ज्वाइन कर लेना है, इस तरीके से बराबर करना है। बराबर करने के बाद हमें दोनों को ज्वाइन लगाना है सिलाई के साथ में। यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा रहे हैं ताकि हमारी जो पट्टी है वो खुले ना। अभी हमारी सिलाई लग गई है। अब जो हमारी पट्टी की लेंथ है वो बड़ी हो गई है। अब ये हमें लगाना कहाँ है, हमारी जो स्लिट है उसके बीचों बीच में लगाना है ताकि जो हमारा फ्रंट पार्ट हो दोनों एक दूसरे में ज्वाइन हो सके। अगर हम बीच में कोई भी पार्ट नहीं लगाते हैं तो ज्वाइन नहीं होगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो पट्टी है उसको किस तरीके से फोल्ड करें जिससे हमारी फिनिशिंग भी आ जाए और परफेक्ट तरीके से बन जाए। तो यहाँ पर हम सिर्फ इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। मैं आपको दो तीन तरीके से दिखा दी हूँ, आप उस तरीके से भी फोल्ड करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इस तरीके से भी फोल्ड करोगे तो परफेक्ट रहेगा। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करना है पट्टी को, और पट्टी के ऊपर अपनी जो एक पार्ट की स्लिट है फ्रंट की उसको कॉर्नर से रखेंगे इस तरीके से। और कॉर्नर से सिलाई लगाते जाएंगे। ध्यान रहे जो हमने अभी इससे पहले स्लिट को कॉर्नर को सिलाई लगाई है उसके ऊपर सिलाई नहीं लगाना है। जो स्लिट की हमारी और कॉर्नर पे होगा वहाँ पर हमें सिलाई लगाना है, और सीधी सिलाई हमें पूरा इस तरीके से लगाते हुए नीचे कॉर्नर तक चले जाना है। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इस तरीके से क्यों बना रही हूँ। मुझे जो फ्रंट का पार्ट है उसमें कुछ बखिया वगैरह चलाकर पूरा फ्रंट का लुक देना है सिलाई के साथ में, तो इस वजह से मैं इस तरीके से चार यहाँ पर सिलाई लगाने वाली हूँ जिससे हमारी फ्रंट स्लिट का जो लुक हो वो अलग दिख सके। तो देखिए आपने जितना ओपन करना है फ्रंट से उतना कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही स्लिट ओपन करूँगी। अगर आप एक्स्ट्रा भी करना चाहो तो ऊपर से ही आप स्लिट को ओपन कर सकते हो। अब जो हमारी पट्टी है इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इतनी स्लिट ओपन करने के बाद यहाँ पर हम डबल सिलाई लगाएंगे लॉक करने के लिए, अब कट कर लेंगे। अब बात आती है हमारी दूसरी स्लिट की। दूसरी स्लिट भी हमारी इसी के ऊपर, इसी पट्टी के ऊपर रखेंगे हम और सिलाई लगाएंगे। ये देखिए आप कुछ इस तरीके से सिलाई का लुक भी आ रहा है, और सीधी सिलाई करना है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना है क्योंकि हमें फ्रंट का भी लुक देना है। अभी हमारा दूसरा साइड भी पट्टी के ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ किस तरीके से लुक आएगा। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है और आप देख सकते हैं फ्रंट में इस तरीके से चार सिलाइयां आ रही हैं जिसकी वजह से हमारा जो फ्रंट का लुक होगा वो थोड़ा ट्रेंडिंग दिखेगा, क्योंकि ट्रेंडिंग में सिलाई का लुक बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे से मैंने इतना ही ओपन किया हुआ है। अब हमारी स्लिट तो रेडी हो गई है, अब हमें कुर्ती भी रेडी करना है। कुर्ती रेडी करने के लिए हमें सबसे पहले नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर गाइज हम कोई भी तरीके की डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, सिंपल बोटनेक हम यहाँ पर फ्रंट स्लिट पे बनाने वाले हैं। अब बोटनेक किस तरीके से हमें सिर्फ फैब्रिक पे कट करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमें बोटनेक बनाने के लिए कोई भी बुकरम का यूज़ मैं यहाँ पर नहीं करूँगी, सिंपल फैब्रिक से ही स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर हमें बोटनेक बनाने के लिए जो गले की चौड़ाई होगी वो यहाँ पर मैं 3 इंच की ले रही हूँ, और जो लंबाई होगी वो 3.5 इंच की।
तो गाइज बता देती हूँ, मैं सभी के लिए इतना बोटनिक परफेक्ट होगा ये कोई भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी जो होगा उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा वो जो गले की चौड़ाई होगी वो तो उतनी ही रहेगी, अदरवाइज सिर्फ यहाँ पर 4 इंच की लंबाई बढ़ जाएगी बोटनिक में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इंच की हमने लंबाई ली है, 3.5 इंच की चौड़ाई ली है गले की और 3.5 इंच की लंबाई ली है। अब यहाँ पर शेप देने के लिए 1 इंच का निशान लगाएंगे बीच से इस तरीके से और गोल का शेप दे देंगे यहाँ पर। अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल तरीके से जो हमने निशान लगाया हुआ है उसी पे कट कर लेना है। अब ये देख सकते हैं आप, हमारा जो गला है बोटनेक वो कट के रेडी हो गया है। अब इस पर हमें सिलाई लगाना है। सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा एक्स्ट्रा फैब्रिक। तो अगर आप कंट्रास्ट में लगाना चाहते हो पैपिंग दे करके तो आप कंट्रास्ट में फैब्रिक यूज़ करना, अदरवाइज़ यहाँ पर मैं सेम एस ओन जो फैब्रिक है उसी पे मैं सिलाई लगाने वाली हूँ, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ यहाँ पर नहीं करने वाली हूँ। तो बस सिंपल तरीके से जैसे हमारी नेक की कटिंग हुई है बस उसी तरीके से हमें रखना होगा। बस सीधा वाला जो पार्ट है वो नीचे साइड होगा और जो ऊपर रॉन्ग साइड वाला पार्ट है वो ऊपर की ओर होगा, क्योंकि अभी हमें जो हमारी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको पलटना भी है। तो जिस शेप में हमारी कटिंग हुई है उसी शेप में हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपको गले को बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारी एक्स्ट्रा वाली फैब्रिक है उसको गले के बीच से जो है उसको कट कर लेना है। मैं आपको क्रॉस लगा के दिखा देती हूँ कौन सा फैब्रिक हमें कट करना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने क्रॉस लगा दिया है। क्रॉस लगाने के बाद हम इसको कट कर लेंगे। तो हमने जो एक्स्ट्रा वाली फैब्रिक थी उसको कट करके निकाल लिया है। अब हमको कुर्ती को पलट लेना है, जो पीछे साइड वाला भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी कट करके निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना होगा कुर्ती से अटैच, जहाँ से सिलाई हुई है वहाँ से एक इंच का गैप दे करके एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के जिस शेप में हमारे गले की कटिंग है उसी शेप में हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। ये हम देख सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से हमने निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, इसी को कट कर लेना है। जिस पे हमने राउंड शेप में निशान लगाया है उसी को हमें कट करना होगा। और जो बाकी का एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है अब उसका यूज़ कुछ भी नहीं है तो हम इसको भी हटा देंगे कट करके। अब यहाँ पर हमने कट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा कट गया है, पट्टी लग गया है फ्रंट पार्ट में। अब इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पार्ट भी पट्टी लगा लेना है गले पे। तो ये देखिए हमने दोनों पार्ट में पट्टी लगा ली है। अब हमें जो हमारा दोनों पार्ट का शोल्डर है उसको ज्वाइन करना है। वो कैसे ज्वाइन करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हमारी पट्टी की सिलाई है वो वाली सिलाई एक पार्ट की और दूसरे वाले पार्ट की सिलाई एक दूसरे के ऊपर रखना है। ऊपर रखने के बाद हमें दोनों शोल्डर इसी तरीके से ज्वाइन कर लेना है, सीधी सिलाई कर लेना है इस तरीके से। Thank you.
ये देखिए हमने डबल सिलाई लगाना है। इस पे भी हम दोनों डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी पक्की सिलाई हो जाए। अब हमारा जो दोनों शोल्डर है जो दोनों ज्वाइंट हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से ज्वाइंट हुआ है। ये देखिए दोनों सिलाइयाँ एक बराबर है। अब हमारी जो ये पट्टी है इसको अंदर की ओर फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर एक सिलाई लगाना है जो हमारी अंदर की सिलाई है उसको बैठाने के लिए। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है। मैं आपको सिलाई लगा के दिखा रही हूँ। जिस शेप में हमारा नेक की कटिंग है उसी शेप में हमने सिलाई लगाना है। अब कॉर्नर तक हमें पूरी सिलाई लगा लेनी है कुछ इस तरीके से। और अब हमारी सिलाई लग चुकी है। सिलाई लगने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारे गले की फिनिशिंग है वो किस तरीके से आई है और जो हमारा गला है वो किस तरीके से बना हुआ है। सिंपल वोट नेक हमने यहाँ पर कुर्ती पे बनाया हुआ है। अब ये जो अंदर फैब्रिक है उसको हमें तुरपाई करना होगा, वो मैं बाद में करूँगी। मैं पहले कुर्ती रेडी कर लेती हूँ और आप देख सकते हो किस तरीके से फिनिशिंग के साथ बिना बुकरम के गला बन के रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी फिटिंग के लिए निशान लगाना है वो हमने लगा लेना है। और यहाँ पर हमने लगा लिया है निशान फिटिंग के लिए, जिसकी जो फिटिंग हो वो आप लगा सकते हो। अगर आपको फिटिंग की वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। चलिए अब हम इसको जो हमने फिटिंग की निशान लगाया उस पर सिलाई भी लगाना है, तो अब लगा लेते हैं सिलाई को। कॉर्नर से स्टार्ट करना है आर्म होल के पास से और नीचे चौक तक हमें पूरा लगाना है। अब नीचे हमारा लग गया है। अब हमें यहाँ पर डबल लॉक लग कर लेंगे। करने के बाद इसको निकाल लेंगे कट करके। अब इसी तरीके से हमें दूसरा साइड भी फिटिंग का सिलाई लगा लेना है। यहाँ पर भी हम
फिर से डबल लॉक लगा लेंगे ताकि हमारी सिलाई ना खुले। अब ये हमारा फिटिंग का रेडी हो गया है, साइड फिटिंग। अब हमें क्या करना है, जो हमारी दोनों स्लिट है साइड की, चौक बोल सकते हैं, स्लिट बोल सकते हैं, उस पर उसको फोल्ड करना है। अब उस पर हमें सिलाई लगाना है। हम यहाँ पर सिर्फ सिंगल सिलाई लगाने वाले हैं। फोल्ड किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से डबल फोल्ड करना होगा। डबल फोल्ड करने के बाद हमें पूरी सिलाई लगा लेनी है। धीरे धीरे अंदर को फैब्रिक करते जा। हमें ध्यान देना होता है ये कॉर्नर एरिया पे, जहाँ पे हमारा चौक होता है, चौक के पास से हमें पूरा चौकोर का शेप देना है। इस तरीके से ट्रायंगल नहीं करना है, हमें सर्कुलर मोशन में नहीं करना है, हमें सीधा यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। उसके बाद इस तरीके से चौकोर शेप में टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर सीधी सिलाई लगानी है। ये देखें, यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा, ज़्यादा कपड़े को खींचना नहीं है। अब ये हमारा इस क्रॉस में आ गया है। अब हमें यहाँ से सीधी सिलाई लगा लेनी है, जैसे हमने दूसरा वाला पार्ट लगाया था। तो ये देखिए, हमारी जो साइड की स्लिट है वो रेडी हो गई है। अब इसी तरीके से हमें दूसरा वाला साइड भी पूरा सिलाई लगा लेना है चौक में। वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमारा हमने दोनों साइड पे लगा लिया है, इधर भी लगा लिया है और दूसरा वाला भी चौक पे लगा लिया है। इस तरीके से सिलाई अब हमारी बाकी है दामन पे, बॉटम जिसको बोलते हैं। अब हम मैं आपको दिखाती हूँ, वो सिलाई हमने लगा ली है। उसके बाद से हम अब स्लीव्स के आर्म होल की बात करते हैं। आर्म होल पे हमें इस तरीके से गैप देना है। गैप देने के बाद मार्क करके अब इसको कट कर लेना है। ये गैप हमारी आर्म होल के पास इसलिए होती है ताकि जो हमारी स्लीव्स की फ्रंट की फिटिंग है वो परफेक्ट तरीके से आए। अब इसी तरीके से हमें दूसरा साइड में भी 1 इंच का डिस्टेंस रखना है। रखने के बाद इस तरीके से हमें मार्क करके कट कर लेना है। ये देखिए, हमने दोनों आर्म होल के पास कट कर लिया है। अब बारी आती है हमारी स्लीव्स की। स्लीव्स की जो हमारे बॉटम यानी कि कॉर्नर एरिया है, वहाँ पर हम डबल फोल्ड कर लेंगे, जैसा कि हमने दिखाया था चौक। इसी तरीके से हमें दूसरी वाली स्लीव्स का भी पूरा बॉटम सिल लेना है। अब दोनों स्लीव्स की हमारी बॉटम सिल चुकी है। अब हमें स्लीव्स की फिटिंग देनी है, तो इस तरीके से हमें फोल्ड करना होगा। और सबसे पहले हमें जिसकी स्लीव्स लेनी है उसके पोने के पास से हम फिटिंग देख लेंगे। अगर आप
बॉडी से मेजरमेंट ले सकते हो तो वहाँ से, अदरवाइज अगर आप कुर्ती से ले रहे हो तो ले सकते हो। यहाँ पर 7 इंच का है तो हम यहाँ पर 4 इंच 2 पॉइंट की फिटिंग रख रहे हैं पुनी के बाद से, बाकी यहाँ से तिरछे शेप में हम फिटिंग दे देंगे जैसे कि हमारे बॉडी के पास होगा, थोड़ा थोड़ा गैप दे करके। अभी हमने निशान लगा लिया है, अब इसी के ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर डबल लॉक कर लेते हैं हम पहले, जहाँ पे हमने निशान लगाया वहीं पे हम सिलाई भी लगाते जाएंगे। अब हम देख लेंगे पहले कुर्ती का जो हमारा आर्म होल है वहाँ की फिटिंग कहाँ पास आ रही है, क्योंकि हमारी स्लीव्स की फिटिंग और आर्म होल की दोनों की चौड़ाई जो है वो एक बराबर होनी चाहिए, तभी दोनों एक दूसरे में जॉइंट हो पाएगा। यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा लेते हैं स्लीव्स पे। अब हमने लॉक कर लिया है, लॉक करने के बाद अब हम जो हमारी स्लीव्स में एक्स्ट्रा वाली फैब्रिक है उसको कट करके हटा देंगे। अब जैसे हमने आर्म होल पे लगाया हुआ था निशान 1 इंच का कटिंग की थी, उसी तरीके से हमको स्लीव से भी कट करना है। तो पहले हम स्लीव्स को सीधी कर लेते हैं। सीधी करने के बाद से जहाँ से हमारी फिटिंग की सिलाई लगी हुई है वहीं से हम 1 इंच का मार्क करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमने मार्क करना है, मार्क करके तब इसी को कट करना है कॉर्नर एरिया से। अब इसको भी हम कट कर लेंगे। अब हम इसको इस स्लीव्स को कुर्ती में ज्वाइन करेंगे। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले जहाँ कटिंग वाला निशान है वो वाला हिस्सा और कुर्ती पे कटिंग वाला हिस्सा, कुर्ती हमारी उल्टी रहेगी और स्लीव्स हमारी सीधी रहेगी। उसके बाद जो हमारी फिटिंग की सिलाई है स्लीव्स की और जो फिटिंग की सिलाई है कुर्ती की, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। उसके बाद हमको इस तरीके से रख के इसके ऊपर राउंड से सिलाई लगाना है। पहले सबसे पहले हम जहाँ पर हमने एक के ऊपर एक सिलाई रखी है उसको उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे थोड़ी सी, उसके बाद हम पूरी सिलाई गोल से लगाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते। तो यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगानी है स्लीव्स में और हमारी जो स्लीव्स है वो रेडी हो गई है लग के। एक स्लीव्स रेडी हो गई है, दूसरी भी स्लीव्स में लगा के आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से हमारी राउंड वाली स्लीव्स लगती है, वो हमने दिखा दिया। राउंड वाली स्लीव्स लगने के बाद किस तरीके से आएगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी स्लीव्स बन चुकी है। अब इसी तरीके से हमें दूसरा वाला भी स्लीव्स लगाना है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारी दोनों जो स्लीव्स है वो लग चुकी है। अब हमें क्या करना है, फ्रंट स्लिट जो हमने बनाई इस पे थोड़ी सी डेकोरेशन भी करना है। डेकोरेशन के लिए यहाँ पर मैं कुछ मोतियों का यहाँ पर फ्रंट पे लगाने वाली हूँ, इस तरीके से बटन का यूज़ करूँगी इस मोती से। आप देख सकते हैं जो हमने फ्रंट पे 4 सिलाई लगाई है उसका भी लुक कुछ अलग से ही आ रहा है। अब पूरे नीचे तक अगर आप लगाना चाहो नीचे तक लगा लो, अगर आपको 2-4 ही लगाना है तो 2-4 भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर पूरा नीचे तक लगाऊंगी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ।
तो ये देखिए हमारी जो फ्रंट स्लिट की कुर्ती है वो बन के रेडी हो गई है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिना बुकरम के। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।